चेहरे के साथ साथ अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स यानी कि वीकनी एरिया अगर काला है या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर आपका काला है तो वो सब गोरा होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए, आज का वीडियो आप जरूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आए हो या फिर फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दे, बाजू में ही एक बेल आइकॉन भी होगा उसको भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के फायदे ये हैं कि मेरे जितने वीडियो हैं सारे के सारे वीडियो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और सब्सक्राइब करना 100% फ्री है। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। यस, आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ वो इतना 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 इफेक्टिव है कि मैं 7 डेज चैलेंज लेकर के आ गई कि भैया आपकी रंगत तो 7 डेज में खिलने ही वाली है, आपकी स्किन का कलर टोन फेयर होने वाला है, आपके चेहरे पे ग्लो आने वाला है, आपके चेहरे पे शाइन आने वाला है और आपके चेहरे से सारे दाग धब्बों के निशान दूर होने वाले। साथ ही साथ एक ऐसा फेस पैक लेकर के आए हूँ जो आपके सिर्फ चेहरे की रंगत को गोरा और खूबसूरत नहीं करेगा, आपका जो वीकनी एरिया है, मुझे कितने मैसेज आते हैं दिन भर में, मैम मेरा प्राइवेट पार्ट जो है मेरा वीकनी एरिया वो मतलब उसकी रंगत एकदम कम हो गई है, प्लस कि मेरे अंडर आर्म्स काले हैं, मेरा नेक काला है, मेरे एल्बो काले हैं, मेरा नी काला है, मीन्स बहुत 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 सारे मैसेज आते हैं। तो मैं सोची कि आज मैं आप सबके मेहनत मतलब आप जो भी मुझे कमेंट करते हो ना सबके कमेंट का रिप्लाई एक ही वीडियो में दे देती हूँ। तो आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगने वाला है। 7 डे चैलेंज लेकर के आई हूँ। तो बात कर लेते हैं कि ये पैक वीकनी एरिया में क्या क्या करेगा। तो ये पैक वीकनी एरिया में क्या करने वाला है, अगर किसी भी कारण बस आपका वीकनी एरिया यानी कि प्राइवेट पार्ट अगर आपका उसकी रंगत अगर कम हो गई है या फिर उसमें से अगर बदबू आता है तो उन सब के ऊपर ये काम करने वाला है, यानी कि उसकी रंगत को भी निखारने वाला है और अगर उसमें से अगर आपको स्मेल थोड़ा सा टिपिकल आता है तो वो भी जो है उसकी भी परेशानी को ये दूर करने वाला है। तो बहुत बेहतरीन वीडियो है, एकदम से इंड तक आज का वीडियो देखें। चलिए देखते हैं फिर पैक को बनाते कैसे हैं और क्या करते हैं। चलिए तो इस पैक को बनाने के लिए आज मैं इंग्रेडिएंट बस बोलने वाली हूँ, आप नोट डाउन कर ले, आज मैं कुछ भी बनाने वाली नहीं हूँ क्योंकि आज बस इच्छा हुई है कि मैं आप सबके साथ बस गप्पा करूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज मैं दो आपको बताने वाली हूँ, एक फेस पैक बताने वाली हूँ और एक क्रीम बताने वाली हूँ। एक ऐसा क्रीम बताने वाली हूँ जो आप अपने वीकनी एरिया पे लगा सकते हो, आप अपने एल्बो पे लगा सकते हो, आप अपने नी पे लगा सकते हो, आप अपने थाइस में जो आपकी थाइस है ना जो घिसने की वजह से मतलब चलते हो तो आपस में अगर थोड़े हेल्दी हो तो अगर चलते हो तो थोड़ा सा ये पार्ट आपका जो है उसकी रंगत कम हो जाती है दोनों आप थाइस का ये जो साइड का पार्ट है तो उसके ऊपर इस क्रीम को आप लगा सकते हो। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फेस पैक से, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये 7 डेज चैलेंज है, 7 डेज के बाद आपको मेरे साथ रिजल्ट शेयर करना पड़ेगा। एकदम से आपकी रंगत जो है वीकनी एरिया का और एकदम से आपके चेहरे का रंगत एकदम से अगर आपकी स्किन टोन अगर 4 है तो एकदम से 12 नहीं होने वाली है, लेकिन आपकी स्किन टोन 100% साफ होने वाली है और आपका वीकनी एरिया जो है उसका भी रंगत जो है बहुत साफ होने वाली है ना, बहुत साफ होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फेस पैक। इतना मार्वेलस, इतना अच्छा सा फेस पैक बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लगना है वो है कॉफ़ी। तो आप कॉफ़ी लेंगे 1 स्पून, उसके बाद उसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 चम्मच दही यानी कि योगर्ट कर्ड जिसे कहते हैं, यानी कि 1 चम्मच आप लेते हो कॉफ़ी, 1 चम्मच आपको लेना है दही, उसके बाद आपको डालना है उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी, कोई भी अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक हो तो आप वाइल्ड टर्मरिक यूज़ करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन हल्दी भी 1 पिंच ऐड कर सकते हो। उसके बाद उसके अंदर आपको ऐड करना है हनी। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से करना है मिक्स। ठीक है, मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हमारा जो फेस हमारी जो स्किन होती है चेहरे का की जो स्किन होती है और हमारा जो वीकनी एरिया का जो स्किन होता है दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हमारा जो वीकनी एरिया है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है और हर एक चीज़ अपने वीकनी एरिया में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप जो ये पैक मैं बता रही हूँ उसको आपको अपने फेस पे लगाना है, आप उसको फेस पे लगा सकते हो और सप्ताह फेस के ऊपर आप डेली लगा सकते हो।
ये जो पैक बन के रेडी हो चुका है, इसको आप अपने चेहरे पे डेली लगा सकते हैं। और अगर वीकनी एरिया पे लगाने की बात कहूँ तो मैं बोलूँगी 7 डेज तो कंटिन्यू लगाएं, और एक बार जब उसकी रंगत साफ हो जाती है उसके बाद जो है वीक में जो है आप 2 बार लगा सकते हो। तो अब सोचोगे कि अभी इसको लगा के रखना कितने दिन है, कितने मिनट है, तो लगा करके आपको रखना है इसको 15 से 20 मिनट। अब आप सोचोगे बाप रे बात, चेहरा पे तो चलो ठीक है लगा लेंगे 15 से 20 मिनट, अब वीकनी एरिया में कौन लगा करके बैठेगा। लेकिन अगर उसकी रंगत को साफ करना है और उसके कलर को आपको अच्छा करना है, स्मेल को दूर करना है, तो लगाना पड़ेगा। आप ऐसा करें, जब भी आप बाथरूम में जाते हो तो कुछ भी जो आपको पसंद आता हो, पेपर हो, मैगजीन हो, उसके बाद या फिर मोबाइल में कोई मूवी देखते समय 10 से 15 मिनट निकाल लें। तो 10 से 15 मिनट के बाद आपको अपने चेहरे को भी अच्छे से वॉश कर लेना है और वीकनी एरिया को बस हल्के हाथ से आपको वॉश कर लेना है। अब वो ये तो हो गया फेस पैक की बात। ये क्रीम इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि आपकी जो स्किन को जो है ना बहुत सॉफ्ट सपल, और आपका जो वीकनी एरिया है उसको बहुत ही ज़्यादा फेयर और खूबसूरत करने वाला है। तो इस क्रीम को कैसे बनाना है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्रीम आप अपने वीकनी एरिया पे लगाएं, अपने नेक पे लगा सकते हो, अपने यहाँ पे लगा सकते हो। तो फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसको बनाने के लिए लगने वाला है, अगर आपके पास कुकुम्बर जेल है तो आप कुकुम्बर जेल लेंगे, अगर कुकुम्बर जेल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खीरे का जूस ले सकते हो, यानी कि कुकुम्बर का जूस ले सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी अगर जेल है तो बेटर है जेल ले ले, क्योंकि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं ना वो ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करते, और मार्केट का अगर लेते हैं तो वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन देती हूँ। अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको है तो अगर आप वो यूज़ करते हो, यानी कि अगर खीरा यूज़ करते हो, तो इस पैक को आप 2 दिन से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन अगर आप कुकुम्बर जेल लेते हो तो इसको आराम से आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज के अंदर। चलिए बनाते कैसे हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास हो आप ले सकते हो, कुकुम्बर जेल या फिर अगर एलोवेरा जेल सूट करता है तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, कुकुम्बर जेल या फिर एलोवेरा जेल किसी भी ब्रांड का। तो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है कुकुम्बर जेल। अब उसके अंदर मान लो आप 2 चम्मच लेते हो कुकुम्बर जेल, ठीक है, उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। अभी कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल हो तो बहुत बेस्ट है, अगर एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल जो पैरासूट ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 2 चम्मच आप लेते हो कुकुम्बर जेल तो 1/2 स्पून आपको लेना है ऑयल, यानी कि एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। उसके अंदर आपको डालना है, मैं बोलूँगी अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है, लेमन एसेंशियल ऑयल है, तो आप उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप लेमन एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो। अगर आपके पास लेमन एसेंशियल ऑयल नहीं है तो अगर आपके पास टर्मरिक ऑयल है, यानी कि अगर आपके पास टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है तो आप टर्मरिक एसेंशियल ऑयल उसके भी सिर्फ 2 ड्रॉप डाल सकते हो। दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हो, दोनों रंगत को निखारता है, एसेंशियल लेमन भी और टर्मरिक भी, यानी कि हल्दी भी। अगर आप फ्रेश लेमन उसके अंदर डालते हो तो अगर आप उसको अगर वीकनी एरिया में लगाते हो ना तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होता है, लेकिन अगर आप एसेंशियल ऑयल में के रूप में डालते हो तो आपको इरिटेशन आपको वीकनी एरिया में नहीं होता है। तो फिर आपको करना है इन तीनों को मिक्स, यानी कि कुकुम्बर जेल को, उसके बाद कोकोनट ऑयल को, और फिर एसेंशियल ऑयल को, आपको तीनों को करना है एकदम अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, उसको अच्छे से डेली मॉर्निंग में जब आप सार लेकर के निकलते हो, उसके बाद उस जब आप पैक लगाते हो, पहले आपको पैक लगाना है, उसके बाद ये आपको लेना है क्रीम, ठीक है। उसके बाद जो आप पैक लगाने का जब वॉश करके जब आप बाहर निकलते हो तो आप इसको क्रीम को लगा लें, डे टाइम में भी एंड नाइट टाइम में। पैक आपको एक बार ही लगाना है लेकिन क्रीम आपको 2 बार लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। धीरे धीरे देखिए कि आपके वीकनी एरिया का कलर कितना फेयर हो रहा है, कितना खूबसूरत हो रहा है और कितना साफ होने वाला है। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और कुछ भी अगर आपको परेशानी हो, कुछ भी अगर आपको
पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, जितना हो सके उतनी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितना प्यार अभी आप मुझे करते हो उससे ज़्यादा प्यार करो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।